साथ ही साथ अर्जुन के पापा ने वरांडे से कार को पीछे खसका लिया कि चलो मैं गाड़ी धोला। घर का सब काम काज तो सुबह हो गया था, शाम को बुलाया 5 बजे डॉक्टर ने। बाहर जाएंगे तब भी दिखा देंगे, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं होती है, दादी साहब ही हैं तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे तीसरी बार बन रहे गर्मियों में, अब इसके पापा ने ज्यादा बना के रख दो। तो ये देखिए अब की बार बड़े भगवान वो बोल रहे, मैंने कहा चलो मैं ज्यादा बनाती हूँ। बारिश होती है क्या बनता है, या तो बनते हैं पकौड़े या फिर बनते हैं दाल बाटे। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला स्कूल बुक पर, और मेरे घर में और किचन में। तो किचन में हमेशा ही होता है, वैसे लोग सोचते हैं आंटी किचन के अलावा कहीं बाहर भी जाती हूँ, और कहाँ जाऊँ घर के बाहर। कई बार घर पे घर के बाहर जाके सब्जी ले लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा, अभी गर्मी है तो बाहर मैं निकल ही नहीं रही हूँ। वैसे भी मेरी कम निकलने की आदत है शुरू से ही, और अभी दादी साहब को छोड़ के भी मैं नहीं जाती हूँ। तो इसी तरह से कभी जाते भी हैं थोड़ी देर के लिए तो इसके पापा को बिठाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी भी है। तो वैसे भी मुझे बाहर जाने का फ्रेंड ज्यादा नहीं है, शुरू में भी जब हम कॉलेज में भी पढ़ते थे ना तब हम फ्रेंड्स वगैरह जाते थे, साइकिल पे जाते थे, लेडीज साइकिल आती थी ना पहले। तो केन और कमला नेहरू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया होम साइंस में, तो मेरी एक फ्रेंड थी वो छुट्टी करती थी तो मैं भी कर देती थी, क्यों वो रोड सुनसान होती थी, मैं कहती नहीं भैया मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। तो थोड़ा घर के काम तो मैं भरपूर कर लेती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ यदि कोई मुझे ले जा सके बाहर, तब तो अकेली मैं बाहर नहीं जा सकती, ये चीज मेरे अंदर नहीं है अभी भी। तो फ्रेंड्स वही पुरानी आदत है, क्या करें बाहर मैं अकेली नहीं जा सकती। तो चलिए फिलहाल तो घर का काम है तो घर के अंदर का काम तो सारा करीब करीब सारा ही कर देती हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अभी तो सब्जियां आ गई थी फिलहाल, तो आप देख सकते हैं सब्जी अभी लिया है, टमाटर है, ये देखिए देसी टमाटर आते हैं हमारे यहाँ पे तो ये मंगा लेती हूँ मैं, तो ये इससे थोड़ी खटाई होती है इसमें, एक वो दूसरे लंबे वाले आते हैं सैलेड वाले, तो ये मिर्ची वगैरह थोड़ी थोड़ी सब्जी मंगाती हूँ, गर्मी है ना ख़राब हो जाती है। तो जैसे थोड़ी भिंडी भी देखिए बहुत अच्छी आ रही है अभी, तो हमारे तो छोटी फैमिली है तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ चाहिए होती है, पर 2-3 सब्जियाँ बनती है तो उस हिसाब से थोड़ी पास में ही है तो सुबह और लेके आ जाते हैं फ्रेश इसके पापा। तो थोड़ा पालक मैंने भी गो दिया है धो के, चंदलिया विशेष एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बना ही लेती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। आज थोड़े अंगूर भी मिले, बीच में तो बंद हो गए थे तो ये अंगूर भी लेके आए मैंने धो के, देखिए पानी में भिगो के रख दिए तो फ्रिज में ठंडे करके, और मूंग चने की दाल यहाँ पर मैंने भिगो दी थी, तो दाल में मैं पालक डाल के दाल पालक यानी कि पालक वाली दाल बनाऊंगी टमाटर डाल के, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी बनाइए। और गर्मी में क्या है हरी सब्जी, देखो छिलके वाली दाल हो गई, पालक डालने के बाद बहुत पौष्टिक हो जाती है, दादी सब को भी रोटी उसमें चूर देते हैं तो अच्छी लगती है, इसके पापा को भी पसंद है, अर्जुन को चावल के साथ पसंद है तो सभी जने खा लेते हैं। और जैसे आम है तो आम मंगा लिए, केसर आम अभी अच्छे आ रहे हैं, और तो अभी पहले हापूस आम मंगा रही थी तो अब वो बंद हो गए, तो अभी दूसरे आम भी आ रहे हैं, दशहरी लंगड़ा और बादाम नीलम जो भी हैं, वो इतने अच्छे टेस्टी भी नहीं है तो मैं ये मंगा लेती हूँ, आम भी थोड़े थोड़े मंगाती हूँ, तो 2-3 तो वैसे फ्रिज में अभी पड़े ही हैं और मंगा लिए। अमरस बन जाता है, कभी आइसक्रीम बन जाती है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, अमरस दादी सा का फेवरेट है तो वो तो रोज बनाते हैं, तो इसी तरह से चल रहा है। दादी से कहते हैं बने तो चलको चोको नहीं लागे, मीठो मीठो चोको लागे, और तो मैंने कि ना स्वाद ही मालूम नहीं पड़े। मैंने कहा रोज पूछते हैं आप कहीं साग बढ़ाया हो, कहीं सब्जी बढ़ाई, तो एक सब्जी बताएंगे ना जैसे और कहीं बढ़ाया, मतलब कि 2-3 सब्जियां होनी चाहिए पहले, सबको ना आदत है 2 सब्जी दही अचार कुछ कुछ लेके, तो एक ही साग बढ़ाया कहीं, तो मैं कहती हूँ अभी और भी बनाऊंगी एक ऐसे करके, वो भले ही खाए नहीं लेकिन खाते है कि फुल्का, पर पूछेंगे कहीं बढ़ाया वो बढ़ाया, ऐसे उनको शौक है हमेशा की तरह। तो और तो सभी सब्जियां धो दी, आलू रह गए थे, ये आलूओं को भी है ना इनमें मिट्टी वगैरह लगी होती है तो हम अच्छे से धो के वॉश करके रख देते हैं, फिर सुखा लेते हैं इसको, ये सूख जाते हैं एकदम, फिर मैं ना प्याज लहसुन वाले टोकरे में रखती हूँ क्योंकि इसके पर मिट्टी वगैरह होती है। तो ये देखिए कोरोना में तो हमने प्याज भी धो दिए थे फ्रेंड्स, क्या बात कर रहे हैं आप, लहसुन भी बचे थे वो एक दो बार धो दिए तो गील हो गए, इतना धूप में रखते थे उसको ले जा के टोकरी को, भाई कोरोना तो
भगवान बचाए, सबको रखे सलामत। मैं तो कहूँ भाई कोरोना जैसी बीमारी वापस नहीं आनी चाहिए। धोना करना, पता नहीं क्या क्या किया, मास्क लगाना, कितने ना बुजुर्ग लोग थे, बहुत भगवान की ना ये रक्षा रही कि हमारे घर में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, दादी से तक सेफ रहे। बाहर भी नहीं झांकते थे उस समय, तो दादी से चलते थे ना, चलते फिरते, लेकिन बरंडे तक भी जाके नहीं झांकते थे, उनको भय रहता था इतना। तो बहुत सेफ्टी रखी, तो सब अभी तक सही है। और जो लोग हैं सभी अपना अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखें। खरबूजा काट के रख दिया मधु, खरबूजा फ्रेंड बहुत अच्छा आ रहा है अभी तो। ये देखिए इसके पापा के लिए, वो शुगर वगैरह कुछ नहीं डालते, वैसे तो पढ़ा बढ़ाते हैं जब शुगर इलायची डाल सकते हैं, पर वो तो ऐसे अभी अच्छा ही टेस्ट आ रहा है तो उनके काट के रख देती हूँ। दादी सब को फ्रूट काट के दे देती हूँ नाश्ते के बाद। अंगूर लाए थे वो धोके रख दिए, जिसको भी कभी अर्जुन अभी तो उसने वाटरमेलन है मतीरा खाना बंद कर दिए, तरबूज ये तो उसके भी काट के बीज वीज निकाल के रख दे, जिसको जो खाना होता है ना वो खाते रहते हैं फिर ठंडा ठंडा, तो वो सब मैं सुबह सुबह करके और रख देती हूँ। छोटे मोटे कई काम होते हैं, इनमें ही समय लगता है, कभी रायता बनाए, कभी साइड वाले काम भी बहुत है, सब्जी लाओ, साफ करो, धो, तो ये सब चीजों में भी काफी समय लग जाता है। ये हमारी केसर पिस्ता आइसक्रीम है और ये मैंने जमाई थी जो आपको दिखाई मावे वाली। देखिए फ्रेंड्स कितनी गर्मी है ना, जल्दी से मेल्ट, क्योंकि मावा है और जो मैंने सांचा में बनाई थी वो तो कोई गेस्ट आए तो उनको खिला दी मैंने, तो ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है और आप लोग भी बना सकते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब घर का सब काम काज, तो सुबह हो गया था, शाम को बुलाया 5 बजे डॉक्टर ने, तो मेरे जो कान की प्रॉब्लम थी वो मैंने बताया था, टॉप्स नहीं पहनती थी तो वो पूरा ही कट गया करी, तो उन्होंने टांके लगाने का पहले ही बोला था, मैंने लगवाए नहीं थे तो अब मेरे को लगवाने ही पड़ेंगे, तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो फिलहाल तो उनको दिखाऊंगी, अभी वो लगाएंगे तो अभी लगवा लूंगी आज ही, तो चलते हैं फिर डॉक्टर से टांके लगवाने कान में, तो बहुत सारे स्टंट करने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे में आप देख रहे होंगे आंखें क्यों ऐसी अजीब सी हो रही है, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो फ्रेंड्स देख सकते कान में लगा हुआ है, ये देखे, तो मैंने ना कान के लगा दिए थे, टांके लगवा दिए, जो मैंने एक बार बताया था वीडियो में कि मेरा, सब लोग बोलते थे आप टॉप्स क्यों नहीं पहनते हो यार, वैसे तो मैं छोटे छोटे पहनती हूँ, ज्यादा भारी मुझे पसंद नहीं, कभी शादी वगैरह में जाते तो पहन लेते, तो वो क्या है कि मेरे पहने हुए तो छोटे ही थे इतने सालों से, पर एक साइड का कान बहुत ज्यादा ही हो गया था, इतना सा अटका हुआ था, तो मैं ना उसमें कभी कभी पहन लेती फिर निकाल के रख देती। कल तो जैसे ही निकाला तो वो पूरा ही हो गया, एकदम से कट गया, तो फिर परसों कट गया था। मैं कल गई डॉक्टर के वहां, तो अर्जुन ने बोला अब मम्मी आलस करेगी कि, और नहीं अभी तो बाद में कराएंगे, अभी ऐसे कर रहे हो, तो मैंने भी मन में जिचा लिया कि कराना तो है ही अभी, तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। तो स्किन के डॉक्टर हैं तो अच्छे हैं, और उनको दिखाया मैंने, और वहाँ पे एक दो बार पहले भी गई थी मैं, तो वहाँ पे मैंने ना फेस वॉश वगैरह शैम्पू वो सब अपने स्किन के हिसाब से और देते हैं, तो मैं फेस वॉश भी उनका ही यूज़ लेती हूँ और शैम्पू भी, तो मैं गई थी तो उन्होंने देखा, फिर बोला मैंने आपको पहले बोला था ना करवा लो, फिर पूरा कान काट के आए हो, मैंने कहा अच्छा अब तो करना ही है, तो फिर उनसे मैंने 2-4 सवाल पूछ लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, सुन कर देंगे एक इंजेक्शन छोटा सा, और उनके यहाँ सर्जन आते हैं तो बहुत कॉस्मेटिक सर्जन है, बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उनसे उनको बुला के और करवाते हैं, तो उन्होंने मेरा ये करवा दिया, टांके वगैरह लगे, अब ये चिपका दिया है इसके ऊपर, तो अभी इस पर 2-3 दिन पानी नहीं लगाना है मुझे, और फिर बाद में उन्होंने एक वो दे दी एक क्रीम लगानी हल्की हल्की और दवाइयाँ भी दी, तो अब देख रहे होंगे थोड़ी आंखें सूजी हुई कि मुझे रात को नींद है, मैंने सोचा मैं ऐसे करूँगी ना तो कहीं दब नहीं जाए, तो मैं ऐसे सीधी सीधी सोई, वैसे भी मुझे नींद कम आती है, और फिर ये इस वजह से बिल्कुल भी नहीं आई मुझे रात को। तो अर्जुन ने बोला मम्मी चक्कर तो नहीं आ रहे घर, और सारा काम कल करके खाना वाना बना के फिर मैं गई और उसके बाद करा के आई, उसमें बोला मेरी आदत है मैं साफ सफाई रखती हूँ फ्रेंड, हॉस्पिटल में मतलब किसी को पूछने में जाऊँ ना तो मैं कपड़े वो रखती ही नहीं हूँ, मैं धो के रखती हूँ, और तो फिर आके स्नान किया, कपड़े धोए सब, फिर दादी सा का काम करके फिर मैं बैठी, बोला अरे चक्कर तो नहीं आ रहे, वो तो सुन करते थे थोड़ा भारीपन सा लगता है, लेकिन ठीक है सब मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आखिरकार मैंने लगवा ही लिए,
टाके तो चलिए फिर ये चैप्टर तो क्लोज हुआ। जैसा कि मैंने बताया कॉस्मेटिक सर्जन से लगवाए, जैसे कई बार ऐसे टाके लगा देते हैं और कोई ऊपर नीचे हो तो वो पता पड़ता है निशान उसका, तो कभी किसी बच्चे भी गिर पड़ जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है, कहीं टाके लगाने होते हैं ना तो ऐसी जगह होती है जो दिखती भी है, तो आप है ना ऐसे कॉस्मेटिक अच्छे सर्जन से लगवाएं जो कि आपके फाइन टाके लगाए बिल्कुल सफाई से, वो पता भी नहीं चलता है। जैसे मैंने बताया अभी कि छोटे बच्चों के आप लगवाएंगे अच्छे से सफाई से लगाएंगे ना एकदम, तो बड़े होने पे निशान भी कई बार जैसे होंठ पे या कहीं मुंह पे भी जैसे किसी जगह पे कट आ जाता है वो दिखता है, बंदा भी लगता है। विशेष करके लड़कियां आजकल थोड़ी कॉन्शियस है तो उनके वैसे आप लगवाएंगे तो बिल्कुल भी निशान नहीं दिखेगा। तो ये तो हुई ये बात, अब करते हैं काम काज की बात। तो फ्रेंड्स अभी तो बीच में मैं ये देख के सामग्री और केहर कुमट ये सब मंगा के फिर से तीसरी बार बन रहे हैं, तो अर्जुन को भी पसंद है, सबको पसंद था, फिर से अभी साफ करने के लिए रखे थे तब दादी सा ने कहा कि मुझे जाना है बाथरूम और फिर निलाया करा, तो वो अब सारा घर का काम करूँगी तो मैंने रख दिया, मैंने कहा बाद में इनको साफ कर लूँगी, फिर रात को भिगोंगी मैं फिर सुबह कल बनाऊंगी। तो ये हमारे घर में बेहद शौकीन है और अर्जुन भी कई ओ अच्छा क्या कुमटे खा ले, तो मैं थोड़े से हम भी खाते हैं, तीसरी बार बनाए सब जने खाए जो भी खत्म हुए हैं तो सब जने खा लेते हैं, गर्मी में ठीक ही रहता है बना के रख देते हैं तो बढ़िया है। एक सब्जी है तो एक कैर कुमटे ले लिया, कैरी बूंदे लौंजी मैं रोज बोलती हूँ, कुछ कुछ बना के रख देती हूँ। अभी मैंने मिर्ची और कैरी का एक अचार है उसका वीडियो मैं डालूंगी, तो वो बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कैरी और मिर्ची का अचार जैसा मैंने, और उसमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से भूना नहीं कुछ नहीं, तेल भी कच्चा डाल मतलब बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप लोग भी बनाए अगर घर पे और कैर कुमटे भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स खमा गणी गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे होता रहता है, दो तीन दिन में बन जाता है, कई बार कुछ काम हो जाते हैं गर्मियां भी हैं, तो चल रहे हैं ब्लॉग बना देते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगता है अपने विचार प्रकट करते हैं, कभी कुछ बनाती हूँ तो दिखा देते हैं तरह तरह की। घर के बाहर फ्रेंड्स में ज्यादा जाती हूँ तो अंदर जो भी मेरे से बन पड़ता है ना वो मैं आपको सब दिखाने की कोशिश करती हूँ, कभी बाहर जाएंगे तब भी दिखा देंगे क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं होती है, दादी सा भी है तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो मैं बाहर के भी आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन ठीक है अपने घर में मेरे को वैसे ज्यादा अच्छा लगता है और मैं घर में जो भी करती हूँ वो आप सबको दिखाती हूँ, कई चीजें सिखाती हूँ और आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो फ्रेंड्स आज है सुबह और मैं कल आपको दिखाई थी कि मैंने कैर सांगरी फिर से मंगाई, कैर कुमटिया और सांगरी, तो देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, तो इसके रेसिपी तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, बहुत बार बनाती हूँ मैं, सील साता में यानी ठंडे आते तब बनाती हूँ तो बनते ही रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे तीसरी बार बन रहे गर्मियों में, तो पहले तो मैंने थोड़े थोड़े बनाए अब फिर से एक एक डोंगा भर के बनाया, अब इसके पापा लाए ज्यादा बना के रख दो, तो ये देखिए अब की बार बड़े भगवान वो बोल रहे, मैंने कहा चलो मैं ज्यादा बनाती हूँ फिर सब भर भर के इतना इतना खाते, सबको शौक है कि मैं और कोई सब्जियां ज्यादा नहीं खाते हैं लेकिन कैर कुमटे सबसे ज्यादा अर्जुन को शौक है, अच्छा कैर कुमटे बनाए क्या, और तो वो ज्यादा कुछ ऐसा ज्यादा उसको शौकीन नहीं है खाने पीने का, एक तो वो मठरी जो मैं घर की बनाती हूँ ना विशेष उसको वो पसंद है, तो वो बाजार की कभी नहीं खाता है, वो घर वाली खाता है, और एक ही कैर कुमटे की सब्जी, एक वो दही बड़े कहीं पे नहीं खाता है जो मैं बनाती हूँ, वैसे तो सारी चीजें उसको चक्कियां बनाओ चाहे दाल का बनाओ हलवा गोंद के लड्डू तो वो कभी ये चीजें खाता नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो वो स्पेशली खा लेता है, तो ये सारी चीजें घर की बनी हुई फ्रेंड्स, घर की तो बात ही अलग होती है और जब मैं बनाती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये तो हमारी बॉयल हो रही है कि सॉफ्ट भी हो गई है, करीब करीब हो ही गई, सुबह सुबह कुमटिया मैंने छीले थे जैसे मैं छील के बनाती हूँ चाय पीते समय, वो भी मैंने डाल दिए धोके, अब देखिए अब इसको मैं बनाऊंगी तब दिखा दूंगी, और वैसे तो मेरी रेसिपी उपलब्ध है तो आप भी देख के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूध भी गर्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो इसे भी बंद कर देते हैं, ये भी बॉयल हो गई, इसे भी दो चार पांच उबाले देने से सॉफ्ट हो जाती है तो इन सबको अच्छी लगती है, ऐसे कई लोग तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ऐसे भिगो के फिर धो के बना लेते हैं, लेकिन हम लोग उसको धो के अभी वापस से ये पानी भी निकालूंगी मैं, दूसरा पानी से धोऊंगी इसको फिर मैं बनाऊंगी। तो इसी तरह से सुबह का काम चल रहा है, दादी सबको ऑलरेडी नाश्ता करवा दिया था मैंने, आलू के पराठा बनाया था वो मैंने उनको खिला दिया, दवाई दी, अब हम लोग भी नाश्ता करेंगे फिर देखेंगे क्या क्या करेंगे क्या क्या बनाएंगे फिर आपको बताती हूँ। फ्रूट ले लेते हैं कुछ।
कुछ आम वगैरह खरबूजा या कुछ भी जो भी, तो वैसे तो वहाँ से भी ले आते हैं, यहाँ से पास में ही है सब्जी और सब फ्रूट वगैरह मिलता है, लेकिन अभी कभी गली में आता तो मैं उससे भी ले लेती हूँ। सुबह का काफ़ी काम हो गया, बाहर का पानी वानी सब मैंने निपटा दिया था पहले ही, मेरे को इंतज़ार है बारिश का और सबसे ज़्यादा मेरे पेड़ों के लिए। वैसे तो ठंडक भी होगी, नदी बांध वगैरह जहाँ पे भी है ना, मैं कहती हूँ वहाँ ज़्यादा बरस जाओ तो वहाँ पानी आ जाएगा तो सबको सप्लाई हो जाएगी। और घरों में क्या है कि थोड़ी सीलन सी आ जाती है ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक आ जानी चाहिए, ठंडक हो जाए और पेड़ पौधे मेरे वापस से जान आ जाए इनके अंदर, जो बेचारे गर्मी में झुलस रहे ना। मैं रोज़ सुबह उठ के इनको देखती हूँ कौन सा पेड़ जला तो नहीं, कोई पत्ता ऐसा हो ही जाएंगे, वो तो पर्दा भी नहीं लगाया क्योंकि हवाएं इतनी चलती है कभी कहीं से गिरता है कभी कहीं से, तो इस बार मैंने कह दिया मत लगाओ मत लगाओ, बार बार फिर वो क्या इधर से गिर गया वहाँ टाँको इधर से गिर गया, तो इस तरह चलता रहता है, तो फिर मैंने लगाने ही नहीं दिया इस बार ग्रीन वाला वो पर्दा। तो चलो अभी तो बारिश आ जाएगी, थोड़े बादल तो बन रहे हैं ना आप देख सकते हैं सुबह से, कल शाम को भी थोड़े थोड़े थे हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी जो बोलते हैं ना चिड़पिड़ाट हुई है चिड़पिड़ाट तो वो हुई थी, बाकी तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। अब देखो अब आ जाए तो उमस तो बहुत भयंकर हो रही है, गर्मी और उमस उमस तो इतनी जानलेवा है ना कि पूछो हिम्मत, एक मिनट में पसीने आने लग जाता है। और पहली जो बारिश गिरेगी ना धरती बहुत प्यासी है, तो जैसे ही बारिश होगी और अंदर से भाप निकलती है ना वो जो कहते हैं भाप सी, वो उमस वाली वो बहुत भयंकर होगी। जब तक 3-4 कड़क वाली बारिश नहीं हो जाती है ना तब तक ये जो है ना धरती की प्यास मिटेगी नहीं। और हमारे यहाँ तो सूर्य नगरी ऑफकोर्स रेगिस्तान वाली नगरी है और सूर्य नगरी से तपता हमारा तो ये जोधपुर, तो सब जगह खैर अभी तो तप ही रहा है तो शांति मिलेगी थोड़ी सी। तो चलिए वापस से चलते अंदर, चलिए फिर से चलते हैं अपने किचन में, बनाऊंगी कैर कुमटी की सब्जी, फ्रूट वाला तो आया नहीं है तो मंगवा लेंगे इसके पापा से, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको कैर घुमटी दिखाए थे, कैर सांगरी, तो देखिए अब मैंने बना दिए हैं बस रेडी हो गए हैं ये, इस बार मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना दिया है तो फिर से बन गए कैर घुमटे सांगरी की सब्जी, पचकूटे की सब्जी बोल सकते हैं। अमचूर भी डालते हैं भिगा के रखी थी, सूखी मिर्ची भी, तो इसमें सब चीज़ें डाल दी, मसाले वगैरह बिल्कुल रेडी हो गए देखिए आप, और बन चुकी है। सुबह मैंने दिखाई थी साफ किए थे कुमटी है सब धोए, फिर मैंने इसको उबाला थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो अब ये बन गई है सब्जी यहाँ पे हमारी पचकूटे की कैर कुमटे की सब्जी। और ये तीसरी बार बन गई हमारे घर, अब की बार मैंने ज़्यादा मात्रा में बना दी, पहले बने फटाफट खत्म, मैंने कहा और बना के रख देते हैं मज़ा रहता है, बनाई भी पड़ी है साथ में, थोड़ी सब्जी ले ली थोड़ा कुछ और ले लिया, फिर एक सब्जी ले ली अचार ले लिया रायता, और कई अर्जुन को तो बहुत पसंद है ये सब्जी, तो फिर वो कोई ऐसे उसको पसंद की सब्जी नहीं होती, कैर कुमटे तो है ही अपना उससे खा लूंगा मैं तो, मैं कहा वाह आराम हो गया अपने तो। अब यहाँ पे आप देखो कि बच्चे कई कई सब्जियाँ खाते थे, कढ़ी बना दी, उसको कढ़ी का बहुत शौक है, अभी तड़कट मैंने डाला ही है, ये चने की दाल की कढ़ी है, चने की दाल अंदर मैंने डाली बॉईल करके, और साथ ही साथ चावल बना दिए, वो चावल के साथ या तो वो कढ़ी खाता है चावल के साथ या फिर खाता है पूरी के साथ, तो पूरी तो उसने कहा अभी गर्मी है अभी पूरी नहीं खाऊंगा मैं चावल खाऊंगा, तो कढ़ी चावल खा लेंगे, थोड़े फुलके भी बना दिए हैं, कैर कुमटे बना दिए, इसी तरह काम चल रहा है सब घर का। बारिश हो रही थी बहुत तेज, अचानक से शाम को बारिश होने लगी, बादल तो आ ही रहे थे और उमस बहुत हो रही थी बहुत भयंकर, फिर एकदम से काले काले बादल आए और बारिश हो गई, जोधपुर की पहली घमासान बारिश,
और पहले थोड़े बहुत बादल आए, छोटी छोटी छींटे वगैरह, चिड़पिड़ाहट कहते हैं ना, वो हुई थी। लेकिन कल आई थी तगड़ी वाली बारिश, जिसको कि कहते हैं कि हड़हड़ाहट करती आया हूँ मैं, एंड पड़न पड़न लागी पन्नाड़ा। तो वो वाली बारिश आई थी, पन्नाड़े पड़ने लगी थी, यानी जो नालियों में से पानी गिरता है ना छत पे से, तो वो गिरने लग गया था। और ऊपर से देखो अर्जुन के पापा झूम रहे हैं, क्यों जायजा लेने गए वो छत का। तो अब देखिए आपके बादल आ रहे हैं, तो फिर लगता है उमस भी सुबह से काफ़ी थी, तो फिर से बारिश होगी। तो बस अब आगे है बारिशों का मौसम, मुझे बहुत खुशी है, ठंडक भी हो गई, हवा चल रही है, तो कोई बादल ना चले जाए, तितर बितर हो जाए, तो मेरे पेड़ पौधे भी देख के आओ अच्छे से हो गए हैं। बहुत झुलस रहे थे बेचारे, बहुत झुलसे, और इनको देख के मेरा बहुत जी घबराता है, मेरा जी दुखता है कि मैं पानी तो मैंने दिया, मेरी तरफ से कोशिश की कि सही रहे, यहाँ एक दो पेड़ हिल गए, बाकी तो मुझे आशा है कि वापस हो जाएंगे। इस पेड़ को देखो आप, ये वापस हो गए, और ये देखिए ऊपर से नजर नहीं लग जाए इसको, ये बहुत अच्छा सा निकल गया है। और साइड में से थोड़े पीले पत्ते तो मैंने काट दिए, अब मैं इसको बराबर कर दूँगी, जैसे ये निकलेगा अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा था बारिश हो रही थी कल, तो साथ ही साथ अर्जुन के पापा ने वरांडे से कार को पीछे खसका दिया कि चलो मैं गाड़ी धोला, मतलब कि बारिश आ रही है तो कार वॉश कर लेते हैं, तो पानी से मेरे को धोनी भी पड़ेगी, तो बारिश में धुल गई फ्रेंड्स। तो ये भी काम हो गया कल, उन्होंने पीछे खसका दी और कार धुल गई। तो इसी तरह से पेड़ पौधे भी धुल गए और अच्छे से हो गए हैं, घर भी अंदर ठंडक भी हो गई है। अब बारिश का मौसम है तो अच्छा लगता है थोड़ा, इतनी गर्मी पड़ी ना मई जून में, तो परेशान हो गए गर्मी से बहुत ज़्यादा, और अब हल्की हवा चल रही है तो अच्छी ठंडी हवा हो रही है, नहीं तो सुबह सुबह इतनी उमस और गर्मी होती थी, सुबह उठते ही पसीने, काम करो तो पसीना, मतलब वो सब बातों से परेशान हो गए, उससे थोड़ी राहत मिली। तो बारिश का मौसम है और मैंने दिखाया था दिन भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही, कल रात को तेज हुई थी, और आपको पता ही है कि बारिश होती तो क्या बनता है, या तो बनते हैं पकोड़े या फिर बनते हैं दाल बाटे, तो यहाँ पे बाटे बन रहे हैं। दाल तो मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है, मूंग चने की दाल अच्छी लगती है बाटे के साथ कुकर में, और अब बाटी बना रहे हैं, तो तंदूर में बना लेंगे गैस तंदूर पे, और आप चाहे तो बाफला बाटी भी बना सकते हैं, जैसे ये हमने गोले बना लिए हैं, उसका वीडियो भी उपलब्ध है, पानी गर्म हो जाए उसमें डाल दें और फिर उसको हाफ हाफ करके या चार टुकड़े करके कैसे भी फ्राई करके और खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बारिश के उपलक्ष्य में बन गई है दाल बाटी।